गुड मॉर्निंग एंड जय स्वामीनारायण वन एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. वेल, आई एम ऑल्सो फाइन हियर. माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी लर्निंग न्यू सेंटेंसेस. जैसे कि मैं आप लोगों को हर बार बताता हूँ, वर्ब फॉर्म वर्ब फॉर्म वर्ब फॉर्म वर्ब फॉर्म कलेक्ट कीजिए. जितना वर्ब फॉर्म आप लोगों के पास एक बार कलेक्शन हो गया, उतनी इंग्लिश आप लोगों की ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी. विदाउट वर्ब फॉर्म आप कोई भी सेंटेंस या कोई भी क्वेश्चंस नहीं बना सकते. जैसे कि माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आज आप लोग एक नया सेंटेंस सीखने वाले हो. जैसे कि सर, मेरा बस चलता तो मैं उसे मारता. सर, मेरा बस चलता तो मैं कार चलाता. सर, मेरा बस चलता तो मैं गिरनार चढ़ता. हैव यू ट्रांसलेट इट? अगर आप इसका ट्रांसलेशन करना चाहोगे तो शायद नहीं कर पाओगे. इंग्लिश के अंदर, आई मीन स्पोकन के अंदर, बहुत से सेंटेंस फिक्स सेंटेंस कहा जाता है. जैसे कि मेरा बस चलता तो, मेरा बस चलता तो, इसके लिए कहा जाता है इफ आई हैड माई वे. इफ आई हैड माई वे. अब वे का मतलब आप सोच रहोगे रास्ता. यू आर राइट, बट वे का दूसरा मीनिंग होता है बस. बस मीन्स जिसमें आप ड्राइविंग करते हो या ट्रैवलिंग करते हो, वो बस नहीं. मेरा बस चलता, ये वाला बस. तो मेरा बस चलता इफ आई हैड माय वे. इफ आई हैड माय वे. उसके बाद आपको क्या करना है? इफ आई हैड माय वे ए फिक्स सेंटेंस हो गया, मीन्स मेरा बस चलता तो. उसके बाद आप जो कर सकते हो बता सकते हो. उसके लिए आपको क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. मीन्स सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मीन्स सेंटेंस को क्लोज कीजिए. सर, मेरा बस चलता तो. सब्जेक्ट रखना है, बाद में वुड रखना है, बाद में वर्ब फॉर्म रखना है, और बाद में ऑब्जेक्ट मीन्स सेंटेंस को क्लोज कीजिए. इस तरह का स्ट्रक्चर्स बनता है. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जो मैंने आप लोगों को लास्ट बहुत सी क्लास में समझाया है, सब्जेक्ट मीन्स साइंस मैथ्स इंग्लिश, वो नहीं. सब्जेक्ट मीन्स आई वी यू यू ही सी इट दे या कोई भी नाम, उसको आप सब्जेक्ट कह सकते हो. सर, मेरा बस चलता तो. इफ आई हैड माय वे कॉमा, बाद में सब्जेक्ट रखना है, वुड रखना है, राइट, वर्ब फॉर्म रखना है, और ऑब्जेक्ट मीन्स क्लॉज करना है. सर, मेरा बस चलता तो मैं उसे मारता. इफ आई हैड माय वे आई वुड बीट हिम. सर, मेरा बस चलता तो मैं मिस्टर नरेंद्र मोदी को गुरुकुल बुलाता. इफ आई हैड माय वे आई वुड कॉल मिस्टर नरेंद्र मोदी एट गुरुकुल. सर, मेरा बस चलता तो मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ता. इफ आई हैड माई वे आई वुड क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट. सर, मेरा बस चलता तो मैं उसे मेरी बर्थडे पार्टी पे आमंत्रित करता. इफ आई हैड माई वे आई वुड इन्वाइट हिम ऑन माई बर्थडे पार्टी. तो देख सकते हो, इफ आई हैड माई वे सभी में आएगा. उसके बाद क्या करना है? आई वुड वर्ब फॉर्म क्लॉज सिर्फ वर्ब फॉर्म क्लॉज बदलना है. आप चाहो जितने चाहो इतने सेंटेंस बना सकते हो. मेरा बस चलता तो मैं उसे अरेस्ट करता. If I had my way, I would arrest him.
बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। तो सभी में इंपॉर्टेंस से वर्क फॉर्म वर्क फॉर्म वर्क फॉर्म वर्क फॉर्म कलेक्ट कीजिए। मैं आप लोगों को हर बार बता रहा हूँ, वर्क फॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। राइट, सो इस तरह के सेंटेंस बनाइए, जैसे मैंने 4-5 आप लोगों को एग्जांपल दिए, 10-15 सेंटेंस आप लोग भी बनाइए। इफ आई हैड माय वे आई वुड वर्क फ्रॉम क्लॉज, आई वुड वर्क फ्रॉम क्लॉज, आई वुड वर्क फ्रॉम क्लॉज, स्ट्रक्चर सेम। इफ आई हैड माय वे, 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 सभी में लिखना है। बट बाद में आई वुड वो भी सभी में लिखना है, सिर्फ क्या बदलना है, वर्क फ्रॉम क्लॉज वर्क फ्रॉम क्लॉज वर्क फ्रॉम क्लॉज। राइट, क्लॉज मीन्स ऑब्जेक्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आप लोग सभी लोग प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय स्वामीनारायण वन एंड ऑल, एंड जय हिंद।